viewers, welcome to my sacred and discovered channel. This is Varna here. Friends, before going to start, I have a request to you. Please like and subscribe my channel and don't forget to click the bell icon so that you can receive my next videos notifications. Friends, today I want to discuss with you about functional verbs. अब मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको लेक्सिकल वर्ड्स के बारे में बताया था और आज के इस लेक्चर में मैं आपको फंक्शनल वर्ड्स के बारे में बताऊंगी। वैसे वर्ड्स की मेन दो कैटेगरी होती है, एक लेक्सिकल वर्ड्स होता है, मीन्स वोकैबुलरी, लैंग्वेज की वोकैबुलरी होती है, और आज के स्टडी में मैं फंक्शनल वर्ड्स बताऊंगी जो कि ग्रामर के टर्म्स को बताता है और जो आपस में वर्ड्स के ग्रामेटिकल जो रिलेशनशिप होती है उसके बारे में बताता है। तो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक फंक्शनल वर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, अब आप मेरे साथ बने रहिए, ग्रामर सीखते रहिए। तो फंक्शनल वर्ड्स के बारे में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। फंक्शनल वर्ड्स, और आप इसको फंक्शन वर्ड्स भी कह सकते हो। ओके, इनका काम क्या होता है? फंक्शनल वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं, दे सर्व एज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर दे टेल अस रिलेशनशिप of the words, relationship of the words, कौन सा relationship? Grammatical relationship, grammatical relationship। तो ये हो गया ये relationship, grammatical relationship of the words। With the other words, within a sentence, okay। तो ये जो है जो फंक्शनल वर्ड्स होते हैं वो जो है वर्ड्स के बीच में आपस का क्या ग्रामेटिकल रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बताते हैं, मीन्स ये ग्रामर के टर्म्स के बारे में बताते हैं। हाँ, ये हो गए फंक्शनल वर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें क्या होता है, आपका प्रीपोजिशन, आता है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, और डिटरमिनेंट्स, ऑक्सिलरीज वर्ब्स, एंड प्रोनाउंस, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जो मेरा पिछला वीडियो था वो लेक्सिकल वर्ड्स के बारे में था, उसमें प्रोनाउन नहीं होता है, डिटरमिनेंट्स नहीं होते हैं, ऑक्सिलरीज वर्ब्स नहीं होते हैं, प्रीपोजिशन नहीं होते हैं, कंजंक्शन नहीं होते हैं, इंटरजेक्शन नहीं होते हैं। लेकिन इस फंक्शनल वर्ड्स में आपका प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनेंट्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड प्रोनाउंस, मीन्स ये जो है कैटेगरी, जितने भी कैटेगरीज हैं, मीन्स जो ये ग्रामर के पॉइंट्स हैं, ये इसमें वे सभी वर्ड आते हैं जो ग्रामेटिकल रिलेशनशिप को बताते हैं। इससे प्रीपोजिशन भी अदर वर्ड्स के साथ मिलकर ग्रामेटिकल रिलेशनशिप को बताता है, कंजंक्शन भी अदर वर्ड्स के साथ मिलकर ग्रामेटिकल रिलेशनशिप बताता है, इंटरजेक्शन भी वही काम करता है, डिटरमिनेंट्स का भी वही वर्क है, ऑक्सिलरीज वर्ब्स का भी वही वर्क है, एंड प्रोनाउंस का भी वही वर्क है। ठीक है, तो अब हम इसको जरा और अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, कैटेगरी वाइज, फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउन, पहले मैंने बताया था
प्रोनाउन, प्रोनाउन में फॉर एग्जाम्पल ही शी। अब यह दोनों का हिंदी मीनिंग अगर हमें पता होता है, लेकिन ग्रामर पॉइंट के बेस पर हम जान सकते हैं ही इज यूज फॉर द मेल पर्सन एंड शी इज फॉर द फीमेल पर्सन। इस तरह से आप देख रहे हैं यू वी दे, यू वी दे, तो ये एंड सो ऑन। तो ये वर्ड्स हमें ग्रामेटिकल टर्म्स के बारे में बताते हैं। फिर आप आ जाइए इंटरजेक्शन, जैसे ओ एलॉस, हुर्रे हुर्रे एंड सो ऑन। ये भी हमें ग्रामेटिकल टर्म के बारे में बताता है कि कब हमें ओ बोलना है, एलॉस बोलना है, हुर्रे बोलना है, इस तरह से हमें बताता है। फिर आप जाइए कंजक्शन, कंजक्शन में जो वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करता है, फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, दैट, बिकॉज एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपने देखा कि ये भी जो है ग्रामेटिकल टर्म्स के ही बारे में बताता है। तो प्रोनाउन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, कंजक्शन हो गया, ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज वे वर्ड्स होते हैं जो कि नंबर या पर्सन या उनके टेंस के अकॉर्डिंगली अपने फॉर्म्स को चेंज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल कैन, आई, डू एंड सो ऑन। तो ये हो गए ऑक्सिलरीज वर्ड हो गए। ठीक, इस तरह से आपने देखा। अब डिटरमिनेंट्स हो गए, डिटरमिनेंट्स भी ग्रामेटिकल टर्म के ही बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला ए एंड द, ओके आर्टिकल्स देखा आपने, अ फ्यू, लिटिल, ओके एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। अब इसमें भी देखिए वी यूज ए विद द कंसोनेंट लेटर्स, जो कंसोनेंट से स्टार्ट होने वाले होते हैं उनका सिंगुलर नंबर होते हैं उनके साथ, ए वावल से स्टार्ट होने वाले सिंगुलर नंबर के साथ एंड का यूज होता है। दैट जो है आपका ये डेफिनेट आर्टिकल है और अ फ्यू, लिटिल एंड सो ऑन। इस तरह से जो फंक्शनल वर्ड्स होते हैं वो हमेशा वर्ड्स का अदर वर्ड्स के साथ ग्रामेटिकल रिलेशनशिप को बताते हैं। तो वंस अगेन आई वांट टू मेक यू रिकॉल फ्रेंड्स के वर्ड्स की मेन दो कैटेगरी के बारे में मैंने बताया। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था लेक्सिकल वर्ड्स के बारे में जो कि वे वर्ड्स होते हैं जो वोकैबुलरी, लैंग्वेज की वोकैबुलरी के बारे में बताते हैं, वो ग्रामेटिकल टर्म्स के बारे में नहीं बताते हैं। और जबकि फंक्शनल वर्ड है, इसके नाम से ही आप फंक्शन का मतलब आप जान ही रहे हैं कि फंक्शन करता है, कार्य बताता है, किस वर्ड का क्या कार्य है। तो इस तरह से फंक्शनल वर्ड्स वे होते हैं जिनका अपने अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपना अपना एक डेफिनेट वर्क होता है जो ग्रामेटिकल पॉइंट्स के बारे में वर्ड्स का एक वर्ड्स के साथ रिलेशन, ग्रामेटिकल रिलेशनशिप क्या है उसको बताते हैं। तो ये वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो ग्रामेटिकल टर्म्स के बारे में बताते हैं वे फंक्शनल वर्ड्स में होते हैं, और जो लैंग्वेज की वोकैबुलरी के बारे में बताते हैं वो लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आपने जाना कि लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं और फंक्शनल वर्ड्स क्या होते हैं। आप मेरी पिछली वीडियो को भी देख लीजिएगा तो आप अपने आप समझ लेंगे कि लेक्सिकल वर्ड्स क्या होता है, और आज के इस वीडियो में मैंने फंक्शनल वर्ड्स के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो फ्रेंड्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। और तब तक के लिए आपकी वंदना आपसे अलविदा लेती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।